हेलो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 18 श्लोक 1 अर्जुनोवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रथकेश अर्जुन अर्जुनिस सिंह हे कृष्ण आई वांट टू नो द पर्पस ऑफ रिनन्सििएशन हे ऋषिकेश आई आल्सो वांट टू नो द पर्पस ऑफ दिस लाइफ व्हिच इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस श्लोक 2 श्री भगवानोवाच काम्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्वकर्मा कर्म फल त्यागम राहु त्यागम विचक्षण श्री कृष्णा सीज दैट द रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल द कर्म विच आर बेस्ड ऑन फिजिकल डिजायर दैट इज कॉल्ड एज संन्यास बाई वाइज पीपल एंड टू सेक्रीफाइस द रिजल्ट ऑफ योर कर्म इट इज कॉल्ड एज त्याग बाई वाइज पीपल श्लोक थ्री त्याज्यम दोष विदी के कर्म सम यज्यपरे पीपल थिंक दैट ऑल विशफुल कर्म मस्ट बी गिवन आर फुल ऑफ फॉल्स बट अदर लनेड पीपल थिंक दैट कर्म ऑफ यज्ञ एंड तपस्या मस्ट नेवर बी रेनसिएट श्लोक निश्चय शुणु मे त्यागे भरत सत्तम पुरुष व्याघ्र व्याघ्रिविधा संप्रकर्ति हे अर्जुन नाउ लिसन टू मई कॉन्क्लूजन अबाउट सैक्रीफाइस देर आर थ्री ऑफ सैक्रीफाइस डिस्क्राइब स्क्रिप्चर्स श्लोक फाइव यज्ञान तपकर्म न्याज कार्य योदान तप्चै पावनाषिणा कर्म रिलेटेड टू यज्ञ दान एंड डोनेशन मस्ट नॉट बी सैक्रीफाइज they must be done and there is no doubt that yagya donation and tapasya can even purify the great souls Shlok 6 etanyapituka falani cha matamuttamam all these work must not be done with any desire of the result hey arjun these works must be done as a duty

काया क्लेश भयत्यजात साकृत्वा राज नैवम त्यागम फलम लभे इफ समवन रिनंसिएट हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बिकॉज ही थिंक्स दैट हिज ड्यूटीज विल हार्म हिज बॉडी और दे आर वेरी टफ टू परफॉर्म एंड दिस काइंड ऑफ सेक्रीफाइस विल नेवर गिव हिम एनी हायर रिजल्ट श्लोक नाइन कार्य मित्यव यम नियतम क्रियते अर्जुन संग फलम चेवम हे अर्जुन वेन डज हिज प्रिस्क्राइबीएल एंड डू ऑल हिज ड्यूटी ऑल द ऑफ हिज कर्मा एंड एनी अटैचमेंट देन दिस काइंड ऑफ sacrifice इज called एज सात्विक श्लोक 10 न दिव्य कुशल कर्म कुशले न अनुष्जते त्याग सत्विष्टो मेधा विचिन्न संशया दर्सन हू इज स्टेबल इन डज नॉट हेट इन ऑस्पीशियर्म एंड ही नेवर इन्वॉल्व हिमसेन ऑस्पीशियम हि डज नॉट हैनी डाउट अबाउट कर्म श्लोक इलेव कर्माणि देहृताशक्यक्त यस्तु कर्मफल त्यागी त्याग त्याधीये

to accomplish all the karma according to Vedas. Now listen to them from me. Shlok 14. Adhisthanam tatha karta karanam cha pratak vidham vividhasya pratak chista devam cha ivatra panchamam. Body, doer, different kind of senses, different kind of efforts, and God. These are the five factors of karma. Shlok 15 and 16. शरीर वांग नो पदे कर्म प्राप्यते नर नयम् वा विपरीतम् पंचयते तस्य हेतवा तत्र एवम सति कर्तारम आत्मनाम केवलम् तुया पश्यकृत बुद्धित्वान सापश्यति दुर्मति व्हाटएवर राइट और रॉन्ग कर्मा इज डन बाय अ पर्सन विद हिज माइंड और वॉइस दैट इज द रिजल्ट ऑफ दीस फाइव फैक्टर्स सो द वन हु कंसीडर हिमसेल्फ एज़ द ओनली डूअर ऑफ ऑल द कर्मा And not these five factors. He is not a wise person and he is the one who does not see the things in a right way. Slok 17. Manlokan Hantina nibaddhate. The one who is not influenced with false pride and whose intellect is not bound. He does not kill anyone in this world, even while killing them.

the knowledge which shows one soul in different creatures you must consider it as a sattvic knowledge shlok 21 tu nana bhavan pratakvidan sarveshu bhuteshu vidirajasam the knowledge which makes a person to see different souls in different bodies you must consider this knowledge as rajasi shlok 22 यदि कार्य सकते हेतुक अतत्वादलचार द नॉलेज विच मेक्स अ पर्सन टू सी अ वेरी लोअर एक्टिविटी एज समथिंग हायर एंड दैट पर्सन कीप इन्वॉल्विंग इन इट विदाउट नोइंग द ट्रूथ दैट नॉलेज इज कंसीडर्ड एज तामसी श्लोक ट्वेंटी थ्री राग संगत कृतम अफल प्रेपु न कर्म ये कर्म विच इज डिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स एंड विच इज फ्री फ्रॉम एनी अटैचमेंट्स और ज्वेलसी एंड विच इज डन विदाउट एनी डिजायर ऑफ द रिजल्ट दैट कर्मा इज कॉल्ड एज सात्लोक ट्वेंटी फोर यु का कर्म संगेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राज्यम समात but the work which is done to fulfill your desires and with false pride that is called as Rajsi. shlok 25 anubandham chayam hinsam cha mahadara karma yattam samuchyate the karma which is done with attachments by ignoring the instructions given in the scriptures and without being careful about the future bondage or to harm someone else, that is called as tamasi. Shlok 26 mukta Dhrityutsaha Samanvita Siddhi Siddhayunirvikara Karta Satik Uchyate. The one who keeps doing his karma without being involved in physical virtues, without any pride, with determination and excitement, and without thinking about the success and defeat.

who is very slow he is called as tamoguni shlok 29 Buddhir bhedam dritesheva gunatastri vidham shnu prochamanam sheshena dhananjaya he arjun now i will tell you about different kind of intellect and patience according to the three virtues of nature please listen to it carefully shlok 30 Pravittimcha Nirvittimcha कार्यकारी भयवय बन्धं मोक्षम च वेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी हे अर्जुन दैट इंटेलेक्ट इज कॉल्ड सतोगुणी विद विच अ पर्सन कम्स टू नो दैट व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू व्हाट इज स्करी एंड व्हाट इज नॉट स्करी व्हाट इज गोइंग टू बाउंड हिम एंड व्हाट विल गिव हिम लिबरेशन श्लोक 31 ये धर्मा धर्माम च कार्यम च कार्यमेव च प्रजानाती सा पार्थ राजसी हे अर्जुन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडल एंड नॉन डूएबल कर्मा दैट इज कॉल्ड एज राजसी श्लोक थर्टी टू अधर्म धर्म मनतेमसावृता सर्वान् बुद्धिसा बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन The intellect which considers righteousness as unrighteousness and unrighteousness as righteousness because of the ignorance and always goes in wrong direction that is called as Tamasi Shlok 33. adharyate mana yogena vyabichare partha He Arjun, the willpower which is unbreakable and which has developed by being determined towards yoga and which keep controlling mind, life and works of senses that is called as satviki. Shlok 34. yatudharmakamarthan detyadharati arjuna prasangina he Arjun, the will power with which a person stays involved in the result of his duties, desire and wealth.

the pleasure which comes by the satisfaction of the senses and which seems like amrit in the beginning but it results as the poison that is called as rajoguni pleasure shlok 39 yadagrechanu sukham mohan matmana nidralasya pramodatham Tattama the pleasure which is not able to do self enlightenment विच इज डिराइव फ्रॉम इल्यूजन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड विच कम्स फ्रॉम स्लीपेनेस एंड अटैचमेंट्स दट इज कॉलसी श्लोक नृथिवी दिवी देश प्रकृति यदि इन दिसन और अमंग गॉड्स देर इज नो वन हू इज फ्री फ्रॉम द थ्री वर्च्यूज ऑफ नेचर श्लोक 41 ब्राह्मण क्षत्रियै विशाम् शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रवैरगुणे हे अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द थ्री वर्चुज ऑफ नेचर श्लोक 42 समोदमस्तपाशोचम शांतिराजवमेवच ज्ञानं विज्ञानमासक्त्यं ब्रह्मकर्मा स्वभावचम् Peace, self-control, tapasya, purity, tolerance, truthfulness, knowledge, science, and righteousness are the natural qualities for a Brahman, and they work according to them. Shloka 43: Sharyam tejo dhrtrdaaksham yuddha cha palaayam daanam Chhatram karma Bravery, power, determination, perfection, patience in the war. स एंड लीडरशिप आर द नेचुरल क्वालिटी फॉर क्षत्रियॉर्टी फोर कृषि गौरक्षणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम परिचार्यामकर्म शूत्र स्वभावजम फार्मिंग प्रोटेक्शन ऑफ काउस एंड बिजनेस आर द नेचुरल क्वालिटी एंड लेबर हार्ड वर्क एंड सर्विंग अदर्स आर द क्वाज ऑफ शूत्र श्लोक फॉर्टी फाइव स्वे से कर्मता संसिधि लगते नवर्मा निरता सिद्धि यथा विंदती तत्णु एव्री वन कैन गेट परफेक्शन बाय फॉलोइंग द क्वालिटीज ऑफ देयर ओन कर्म नाउ लिसेन फ्रॉम मी हाउ सम वन कैन डू दिस्ट फॉर्टी सिक्स यथा प्रवृत्तिता येन सर्विद्वण तम भरेच सिद्धि विंद मानव

which comes from his nature even if it has some fault. Shlok 49 Asakta buddhi sarvatra, jitatma vigat isprha nashkarma siddhim parma, The one who is self-controlled and unattached and who does not care about physical pleasure, that person gets utmost position of perfection by becoming free from the result of his karma.

बुद्धया विशुद्धयाुक्त धृत्यात्म निच शब्दीता राग देश विविध सवी लग्वाशी यत्वाक्यमानसा मानस ध्यान पर वैराग्यम सामसित अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह विमुच निर्म शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते द वन हूज इंटेलेक्ट इज प्योर हू कैन कंट्रोल हिज माइंड विद पेशेंस who has renunciated the subject of the satisfaction of his senses who lives in a quiet place who eat less who can control his mind and voice who always stay in samadhi who is fully detached who is free from false pride false power and desire anger and the collection of the physical things who is free from the feelings of false possession who is calm that person will definitely get self-enlightenment श्लोक 54 ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा नोचती न कांशती भूतेशु दस द वन हु इज सिचुएटेड ऑन द डिवाइन पोजीशन दैट पर्सन कैन इमीडिएटली फील दैट अल्टीमेट गॉड एंड बिकम फुल्ली हैप्पी ही नेवर मोन फॉर एनीथिंग एंड डज नॉट हैव एनी डिजायर ही कंसीडर ऑल द क्रीचर्स एज सेम and in that position he gets the pure devotion for me shlok 55 bhaktya mama tato mam one can know me just by being fully devoted towards me when a person becomes fully devoted towards me then after his life he will go to vaikuntha that is the place of lord vishnu श्लोक फिफ्टी सिक्सर्माण सदा कुर्वाणो मद व्यपाशय मत प्रसाद शाश्वत पदम व्यय मई प्योर डिवोटीज स्टे इन माय शेल्टर एंड इवन वाईल डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कर्म दे कैन गेट माय अल्टीमेट प्लेस श्लोक फिफ्टी सवेन चेतसा सर्वर्माण मई सन्य मतपरा बुद्धिग मुश्रिता मच्चिता सतत Be dependent on me for all kinds of work and stay in my shelter and always stay aware about me with devotion. Slok 58 Matchitta Sarva Durgani Hankaran Shreyasi If you will always stay devoted for me, you will easily cross the hurdles of this physical life but if you will not do your karma like this just because of false pride and you will not listen to me you will get destroyed shlok 59 yad ahankaram mithyasya ni niyokshati if you will not follow my instructions and you will not involved in this war then you will go on wrong path and you have to be involved in this war. And you have to be involved in this war because of your nature. Shlok 60 Right now, you are not working according to my instructions because you are attached to your emotions. But you will do the same karma being bound to your nature. श्लोक सिक्सटी वन ईश्वरासूता हृदय अर्जुन तिष्ठति ठतिमयन सर्वूताूढ़ा हे अर्जुन गॉड लिव्स इन एवरी वन हार्ट एंड ही इज कंट्रोलिंग ऑल द क्रीचर्स विद हिज पॉवर जस्ट लाइक सम वन सिट इन सम काइंड ऑफ मशीन एंड कंट्रोल इट श्लोक तमेव तमेवरण गर्व भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् हे अर्जुन टेक शेल्टर अनटू दैट अल्टीमेट गॉड यू विल गेट अल्टीमेट पीस एंड द अल्टीमेट प्लेस विथ हिज ब्लेसिंग्स श्लोक 63 इति ते ज्ञानम आख्यातम गोया दुयतरम मया विमृश्य यथेच्छसि तथा कुरु दस आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज थिंक अबाउट इट फुल्ली And after that, you can do whatever you feel good. Shlok 64. Sarva guya tamambhuya shirlu me paramam vacha ishtosi me tato hitam. I am telling you about my most secret knowledge because you are very dear to me. Listen to this for your benefit. Shlok 65. Manmanabhav madbhakto madhyaji mam namaskuru. मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसी में ऑलवेज थिंक अबाउट मी बी मई डिवोटी इन फ्रंट ऑफ मी दस यू विल डेफिनेटली कम टू मी आई प्रॉमिज यू फॉर दिकॉज यू आर मई डियर फ्रेंड श्लोक सिकी सिक्सर्मा प्यज्य मेक व्रज अहम पेभ्यो मुक्षेष्यामी मंश चम टू मी बाय लिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ धर्म

हु गिव्स दिस नॉलेज टू अदर्स देर विल बी नो वन मोर डियर टू मी श्लोक सेवेंटी अध्यक्ष ते चाया इम धर्म संवाद मवयो ज्ञान यज्ञ तेना हम इष्टा साम्य मे मती एंड आई डिक्लेयर दैट हु एवर विल स्टडी दिस प्योर कन्वर्सेशन ऑफ अस ही विल वर्शिप मी विद हिज इंटलेक्ट श्लोक सेवेंटी वन

धनंजय हे अर्जुन डिड यू लिसन टू दिस केयरफुली हैव यू बिकम फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ऑल अटैचमेंट्स श्लोक 73 अर्जुन उवाच मोह स्मृति स्थितो अस्मी संदेह कर वचन तव अर्जुन सेज हे कृष्ण नाउ आई हैव बिकम फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स बाय योर ग्रेस आई हैव गॉट माय मेमोरी बैक Now I do not have any doubt and I am determined and ready to do my karma according to your instructions. Stroke 74, Sanjay, watch. vasudevasya parthasya cha mahatmana samvada shram adbhutam ro maharshanam. Sanjay is saying that thus I have listened to this conversation of Arjun and Sri Krishna and this message is so amazing that I am having goosebumps. श्लोक सवेंटी फाइव व्यास प्रसाद वाइटेश कथयता स्वयं आई गॉट दू लि टू दिस् मोस्ट सीक्रेट नॉलेज डायरेक्टली फ्रम श्री कृष्ण विच ही टेलिंग टू अर्जुन बिकॉज ऑफ द ब्लैसिंग्स ऑफ व्यास ऋषि श्लोक सवेंटी सिक्स राजस्मृत संस्मृत संवाद इम अदुत केशवार्जुन यौपर्णम रश्यामिच मुहु ओ किंग व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस वंडरफुल एंड प्योर कन्वर्सेशन ऑफ श्री कृष्णा एंड अर्जुन आई फील रियली हैप्पी श्लोक 77 तच्च स्मृत्य स्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन रश्यामिच पुनः पुनः I feel more happy and mesmerized when I think about the wonderful cosmic form of Shri Krishna. Shlok 78. Yatra Yogi Krishnu, Yatra Tatra Matirmama. Where there is Shri Krishna and the great archer Arjun, the victory will be also on that side. This is my opinion this was chapter 18 which is the last chapter of shrimad bhagavad gita in bhagavad gita we came to know about many things which are really useful for us even today krishna told many things which are considered as secret knowledge he told this that how we can get that ultimate lord how we can go to moksha how we should consider moksha as the ultimate aim of our life along with all these religious things we can learn many practical things also. In Gita, Krishna says how we should behave, how we should talk, how we should sit. So, there are many things which teach us about our day to day life. Gita is one of the scriptures which helps us to reach that ultimate God and which helps us to live a happy life. We should follow all the teachings of Gita. Gita always say that you should not follow very tough path. Just be devoted towards God and you will get him. This is said in Gita. I would like to say thanks to Praveen Mohanji because he is digitizing all the ancient texts and he is helping our society. And I am happy to be a part of this. Thank you.